हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीएलसी के यूनिक शुरुआत गुरु नीति में। आज अपन केमिस्ट्री की गुरु नीति 15th एपिसोड को शूट करने जा रहे हैं। बेटा इसमें अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बात करेंगे। सर इसमें जैसा अपन ने बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर अपन मोस्टली गैलेनिक सेल और नेंसेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इट्स एप्लीकेशन, नेंसेंट इक्वेशन के जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बाकी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में आपको पता लग ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं सर। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल फ्लो इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, यानी कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से किस साइड होता है ये आपको देखना है। तो देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर अपन दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड और दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं वो किस में डिप करते हैं, वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जो आपके वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा होता है। जी सर, ओपी सर का कहने का मतलब कि गैल्वेनिक सेल में जिस धातु की अपन ने जो छड़ ली है उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। और इधर लेते हैं अपन कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे। ठीक है, अब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं कि जिंक है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स है और कॉपर के लो रिएक्टिव मेटल्स है। ये जो सर ने बोला हाई रिएक्टिव, अपन जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में देखेंगे तो जब एलिमेंट्स को एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिच करते हैं तो ऊपर वाला हाई रिएक्टिव और नीचे वाला लो रिएक्टिव रहता है ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी। और दोनों इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल वायर से अपन क्या कर देते हैं, करंट मतलब कि कनेक्ट कर देते हैं ताकि करंट के फ्लो का अपने को पता लग जाए। तो जिंक हाई रिएक्टिव मेटल्स है तो जिंक यहां पे किसकी तरह बिहेव करेगा, एड एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉपर है वो एड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप एक चीज याद रखना LOAL शॉर्टकट फॉर्म है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और एनोड क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आके क्या हो जाते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो देखो जिंक रोड है वो Zn+2 की फॉर्म में क्या होगी कन्वर्ट होगी और दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रिलीज होंगे, तो एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सर ने बताई, सारी रिएक्शन और तब स्टार्ट होंगी जब तक आप लवण से सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट नहीं करेंगे बेटा, जिसका वो इंपॉर्टेंट काम है। यदि ये नहीं रहेगा तो सेल वर्किंग नहीं करेगा। लवण सेतु करता क्या है बेटा, लवण सेतु दोनों सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी मतलब उदासीनता बनाए रखता है। इसका मतलब बेटा कि हम एक यू आकार की उल्टी यू आकार की शेप की ट्यूब लगाते हैं, ये यहाँ पे क्या करता है एनोड में तो एनायन और कैथोड में कैटायन कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर लवण सेतु को यदि हम नहीं लगाएं तो क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। लवण सेतु जो होता है हम एक टर्म लेते हैं LLJP, इसको उत्पन्न होने से रोकता है। LLJP का मतलब होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, या अपन बोले यहाँ पे द्रव द्रव संधि विभव। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बोला ये यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जिंक पे क्या होगा ऑक्सीडेशन सर ने बताया, तो जिंक Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे यहाँ पे Zn+2 आते जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात बेटा। उसी प्रकार से अपन जब गैल्वेनिक सेल में बात करते हैं तो एक्चुअली में जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है उसी का रिजल्ट कैथोड होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अक्यूमुलेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से धीरे धीरे इस साइड मूव करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गैल्वेनिक सेल, तो वो आपके एनोड टू कैथोड की साइड होती है। जी सर। और हमारी करंट फिजिक्स कहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसी होगी। तो डायरेक्शन अपन को समझ में आई। अपन बात कर रहे थे LLJP, इसका मतलब क्या है। धीरे धीरे अपन ने यहाँ बोला कि यहाँ पे Zn+2 अधिकता में होने लगेंगे, मतलब एनायन के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हम अक्रिय विद्युत अपघट्य से बनी हुई यू आकार की शेप की ट्यूब लेते हैं। अक्रिय विद्युत अपघट्य जिसमें अपन KCl, KNO3, NH4, NO3 की बात कर सकते हैं, जो यहाँ पे एनायन और कैटायन कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं। ये सप्लाई नहीं होता तो क्या होगा, यहाँ पे आयन्स जो है वो ऊपर नीचे होंगे। ऊपर नीचे का मतलब उनमें जो नंबर्स है वो सेम नहीं रहेंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रल नहीं होंगे तो मान लीजिए यहाँ पे Zn+2 ज्यादा हो गए तो अब दोनों में इम्बेलेंस की पोजिशन बन गई है, असंतुलन की स्थिति बन गई है। तो धीरे धीरे इसमें प्लस ज्यादा हो गया Zn+2। एनोड ऑलरेडी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिंक रोड है जो अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसके बीच में रिपल्शन काम करने लगेगा। रिपल्शन काम करने लगेगा तो यहाँ पे वर्किंग रुक जाएगी, इसकी वर्किंग रुक गई
अभी मैंने आपको बताया कैथोड एक्चुअली में इसी का तो रिजल्ट है, तो फिर यहां से जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे तो कैथोड की भी वर्किंग रुक जाएगी। इसका मतलब सेल की वर्किंग रुक जाएगी और धीरे धीरे सेल काम करना बंद करेगा और करंट फ्लो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए अपन एनएलजेपी को रोकने के लिए यहाँ पे सॉलिड ब्रिज को लगाते हैं, जो क्या करता है कंटिन्यूअसली एनोड में एनायन और कैथोड में कैटायन सप्लाई करेगा, जिससे यहाँ पे दोनों के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी, दोनों के लिए आयन सेम रहेंगे। यहाँ पे हम KCl को ज्यादा बेटर मानते हैं, KCl हो गया, KNO3 हो गया, क्योंकि वहां पे कैटायन और एनायन की वेलोसिटी गतिशीलता सेम रहती है। ठीक है सर, तो देखो यहाँ से जैसा कि सभी बताया KCl अपन ले लेते हैं तो K+ और Cl- है, तो यहाँ पे देखो जैसा कि संलग्नता पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, तो यहाँ से Cl- आयन आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और इस साइड कौन सा चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, K+ आ जाएगा, जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा और सेल लंबे टाइम तक वर्किंग करेगा, मतलब एलएनजेपी को अपने को क्या कर देगा, रोक देगा और सेल की प्रॉपर वर्किंग होगी। यहाँ पे भी एक चीज याद रखिएगा, अभी तक हमने बोला इलेक्ट्रॉन का मूव एनोड टू कैथोड है जी सर, और करंट का मूव कैथोड टू एनोड है, बट यदि अपन एक्सटर्नल सर्किट के लिए बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट अपन ने जो ज्वाइंट किया है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल सप्लाई अपने लगाई है ई एक्सटर्नल, उसका बड़ा रोल होता है जी सर। गैल्वेनिक सेल का मान लीजिए अपने पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल सपोज 1.08 या 1.1 वोल्ट मिल रहा है, यही होता है 1.1 वोल्ट मिल रहा है। यदि ई एक्सटर्नल अपना 1.1 वोल्ट से कम है तब तक ये अपना गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगा, मतलब जिसमें अपन केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ये दोनों इक्वल आएंगे सेकंड केस बात कर रहे हैं, इस टाइम बेटा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड इक्वल हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इस टाइम सेल कार्य नहीं करेगा, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और थर्ड केस अपन ने बात की कि जब आपका ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो जाएगा 1.1 वोल्ट, इस टाइम आपके इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, इट मींस अब ये सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करने लगेगा, मतलब यहां पे आप एनोड और कैथोड का वर्क चेंज हो जाएगा, पहले एनोड घुल रहा था, कैथोड पे धातु निक्षेपित हो रही थी, डिपॉजिट हो रही थी, अब उल्टा होगा, कैथोड घुलेगा और एनोड पे धातु निक्षेपित हो रही थी। तो ये कंप्लीट अपन ने गैल्वेनिक सेल देखा, यहाँ पे डायरेक्शंस की बात की, एक्सटर्नल सर्किट इंटरनल सर्किट के लिए पढ़ा और साथ साथ लवण सेतु के लिए बात बताई। बेटा ये सारा बताने का रीजन ये है कि इसमें आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो अब अपन डिटेल में नहीं बात करेंगे, अपन डायरेक्टली फिर वहां पे टारगेट करेंगे। सर अपना क्वेश्चन क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहला ऑप्शन है कैथोड टू एनोड इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एनोड टू कैथोड होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट जो एक्सटर्नल सर्किट की अपन ने बात कर ली। चलिए सर आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जी सर। ये तो आपने अभी डिस्कस किया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 विद एडार एगार इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज, मैंने बोला सॉल्ट ब्रिज के लिए आप बेटा KNO3 भी यूज कर सकते हो, KCl भी यूज कर सकते हो और NH4NO3 भी यूज कर सकते हो, बट इन तीनों में बेटर की बात करें तो KNO3 ज्यादा बेटर होता है, जिसका कारण K+ और NO3- आयन दोनों की वेलोसिटीज, दोनों की मोबिलिटी का ऑलमोस्ट सेम होना है, जिससे एलएनजेपी को वो प्रॉपर तरीके से रोकता है और सेल की वर्किंग को प्रॉपर बनाए रखता है जी सर। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि NO3 का विलयन अगार अगार के साथ लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे K+ और NO3- दोनों की वेलोसिटीज क्या होती है सर, सेम होती है, तो अपना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंसंट्रेशन सेल मेड ऑफ आयरन इन द, ये कंसंट्रेशन दे रखी है Fe+2 एंड Fe+2। बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना जी सर। दूसरी बात सर, यहां पे टर्म आई है नई कंसंट्रेशन सेल, तो मैं यहां पे बच्चों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन सेल सांद्रता सेल के लिए बताऊं। बेटा सांद्रता सेल कंसंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड समान पदार्थ के होते हैं,
परंतु दोनों व्यक्तित्व घटते इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। बस ये मेरे की मेन डिफरेंस होता है। और यहां पे याद रखिएगा साथ ही साथ में, जब यहां पे अपन ने बोला दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहते हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो E नॉट सेल होगा, वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मेटल से बने होते हैं। मतलब दोनों का रिलेक्शन पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए E नॉट सेल क्या हो जाएगा, जीरो। और E नॉट सेल जीरो है तो यदि अपन गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा G नॉट हम पढ़ते हैं माइनस nf E नॉट सेल। जी सर, इसका मतलब यदि E नॉट जीरो है तो डेल्टा G नॉट भी जीरो है। मतलब E नॉट सेल जीरो सही बात है, लेकिन हमसे रॉन्ग पूछा है तो दिस इज नॉट आंसर। जी सर, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। जी सर, हमने अभी बात की थी इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे हैं उसके लिए बात की थी। तो ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही है, यहां से इलेक्ट्रॉन एनोड को कैथोड जाएंगे, तो ये भी सही है। हमसे रॉन्ग पूछा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर तो सर यही है। अब रीजन की बात करें, इसका रीजन क्या है सर? तो देखो, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, इट मींस रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू सर अपनी नेगेटिव आएगी तभी रिएक्शन स्वतः होगी स्पॉन्टेनियस, और वही सेल अपन काम में ले रहे हैं। जी सर, तो इसके लिए अपन लेंसर इक्वेशन लगाते हैं। तो ई सेल इक्वल टू इनोड सेल, इनोड सेल क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है कंसंट्रेशन, जीरो माइनस, क्योंकि यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन 0.0591 अपॉन एल नंबर, यहां पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 log 10 बेस k इक्विलिब्रियम। और k इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 है, और जो रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.01 है। जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है बेटा, ये 10^-1, ये 10^-2, ये log 10 आएगा, और log 10 आपका कंप्लीट अकॉर्डिंग टू मैस 1 होता है। तो बेटा यहां से मैं एक चीज बोलूं कि जो आपका ई सेल आया, जैसा सर ने बताया, वो नेगेटिव आएगा, अपन को पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ई सेल नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या आएगा, माइनस का एन एफ ई सेल, जैसे कि लिख रखा है ई सेल क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव एक फॉर्मूले में पहले से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अपन ऐसी बात नहीं कर रहे, अपन तो ये बोल रहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, रिएक्शन ये नहीं होगी, इसकी अपोजिट होगी। जी सर, फॉल्स ही पूछा है तो अपना ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए सर आगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछा बेटा, पहले तो ये ढंग से पढ़े, फॉर द सेल शोन बिलो। तो ये सर गैल्वेनिक सेल ही मान सकते हैं, गैल्वेनिक सेल है बिल्कुल। यहां पे अपन को जब तक हमको ये नहीं बताया है कि ये कैथोड है या एनोड है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं वो थोड़ा सा अपन लोगों को पता होना चाहिए। तो बेटा इसका एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको जो रिएक्शन दिया हो और उनका इनोट दिया है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें कि वो रिडक्शन में है या नहीं है, क्योंकि हम ये बोलते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, जब तक हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बताए कि वो ऑक्सीकरण है या अपचय है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, तब तक हम उसे एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलते हैं। जी सर, यहां पे +2 से 0 में जा रहा है, मतलब ये भी रिडक्शन, +3 से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन, दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और ईसीएस के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका एसआरपी कम होता है वो एनोड, और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो कैथोड की तरह वर्क करता है। इसका मतलब सर याद रखो, जिनका एसआरपी के माइनस का 0.76 वोल्ट और क्रोमियम का कितना है, माइनस का 0.74, इट मींस जिंक है वो किसकी तरह कार्य करेगी, एज ए एनोड की तरह, और क्रोमियम किसकी तरह काम करेगी, एज ए कैथोड। ये अपन ने एसआरपी के भी यहां पे डिसाइड कर लिया सर। और करंट और इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन तो कैथोड टू एनोड टू कैथोड जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे जिंक से क्रोमियम, जैसा सर ने एनोड कैथोड डिफाइन किया है। जी सर, और करंट जाएगी कैथोड टू एनोड, मतलब क्रोमियम टू जिंक। तो क्या सही है, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, ये तो बिल्कुल गलत है। जी अभी अपन देख के आ रहे सर कि हमेशा एनोड टू कैथोड रहता है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द जिंक टू द क्रोमियम, ये बिल्कुल सही है। जिंक यहां पे क्या है, एनोड है, और क्रोमियम है यहां पे कैथोड है, इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा अपना। तो ये सिंपल वही सेल था जो अभी अपन ने बात की। चलिए सर आगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ सेल, इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय रिएक्शन। तो देखो सर, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंसर इक्वेशन लिखेंगे, और लेंसर इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन यहां पे क्या नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, 0 से किसमें जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 log 10 बेस
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये तो सॉलिड सब्सटेंस है तो उसकी कंसंट्रेशन अपनी ऊपर है, मैं जूम करेंगे तो ऊपर आएगा कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन और नीचे एक्वस स्पीशीज के है Ag plus 1 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल, यानी ये इंक्रीज कब होगा, तो सर अपन इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं मतलब सर क्वांटिटी माइनस हो रही है वो कम हो, जी सर कम हो, इसका मतलब ये जो आपकी Cu plus 2 है ये तो कम हो और Ag plus ज्यादा, जी सर। तो अपन इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus, सही बात है, इसको इंक्रीज करोगे यहाँ पे अपन को जो दे रखा है, देखिए यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड काम में ले रखे हैं, जी सर थोड़ा सा इसी इलेक्ट्रोड है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए भी पता होना चाहिए कि जब अपन को गैस के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके बात करते हैं, ये भी सर मतलब कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल है और इसके लिए सबसे पहले सर अपन काम करते हैं इसको देख के सेल रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि बेटा सेल रिएक्शन लिख लेंगे तो अपन को एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सारी चीजें पता होंगी, तो फिक्स होता है कि लेफ्ट एंड एनोड और राइट एंड कैथोड, जी सर। तो पहले मैं इसका एनोड बनाता हूं, तो मतलब एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन तो H2 आपका चला जाएगा 2H+ पे, यहां पे H2 के लिए प्रेशर दिया है हमको P1, इसका बना रहा हूं कैथोड मतलब रिडक्शन होगा, तो मैंने बोला 2H+ चेंज हो जाएगा आपका H2, अच्छा सर 2H+ चेंज होगा आपका H2 में, दोनों रिएक्शन को अपन साथ लिख रहे हैं, इसका आंसर P2, P2 हो जाएगा, जी सर। बेटा जैसा अपन ने बात की है यहां पे आज प्रेशर चेंज हो रहा है बिकॉज़ गैसियस इलेक्ट्रोड गैसियस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए यदि मैं आपका नेंसेट इक्वेशन लगाना चाहूं तो जैसा सर ने बताया एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो कंसंट्रेशन लेते हैं, गैस के लिए उनका पार्शियल प्रेशर लेते हैं और प्योर सॉलिड के लिए अपन उनकी कंसंट्रेशन यूनिट ही मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, जी सर। यहां से मैं ई सेल निकालूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वो जीरो होगा, वैसे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है उसको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग एसआरपी जीरो कंसीडर करते हैं, 0 माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन को नहीं बोली है एक्वस से, दोनों को सेम मान के चल रहे हैं, प्रोडक्ट में आ रहा है p2 और इसमें आ रहा है p1, बट यहां पे ध्यान रखिएगा जब log बेस 10 पे लेते हैं तब तो पूरा ये आता है और बेस 10 पे नहीं लेंगे तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस, इसको पूरे को सॉल्व कर ले अपन तो rt और lf nf, nf की जगह अपने पास में आएगा 2f बेस E, log base E पे होता है तो उसे LN बोलते हैं, P2 upon P1, सही बात है सर, जी सर। इसको मैं reverse करूं, reverse करूंगा तो ये sin plus हो जाएगा, इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो अपना होगा E is equal to RT upon NF LN P1 upon P2, समझ में आती है बात। अब यहां से अपन को पूछ रहा है what will be the EMF of given cell, अपन इसको compare करेंगे RT upon 2F LN P1 upon P2, it means second option is the correct option। चलें सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E नॉट Fe प्लस 2 Fe दिस वन एंड Fe प्लस 3 Fe प्लस 2 दिस वन, फाइंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन सर बहुत बार आते हैं, मतलब जेई में भी आते हैं और नीट के अंदर भी आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आपका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, और डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, तो सीधा आप उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये नहीं कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब सर ने बोला E नॉट अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मतलब अपन उसको अभिक्रिया को किसी से गुणा करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी सर। मान लीजिए कोई रिएक्शन है उसके लिए E नॉट एक्स वोल्ट है, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी एक्स रहेगा बिकॉज दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर, और इसमें एडिटिव भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली रिएक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं बात करते हैं, जी सर। तो इसको अपन पहला तो प्रॉपर मेथड जैसा सर ने बताया डेल्टा जी के अकॉर्डिंग होगा बिकॉज डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अपना मात्रा मात्रात्मक गुणधर्म में मात्रा पे डिपेंड करेगी, लेकिन अपन सर इतना टाइम नहीं होगा अपन उसको पूरा अप्लाई करें, तो मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपन इसमें चेक कर लें, तो सर मेरे को रिएक्शन से एक चीज समझ में आ रही है कि Fe Fe प्लस 2 में जा रहा है, इसका मतलब ये तो एनोड होगा, जी सर ऑक्सीकरण हो रहा है, Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 में आ रहा है मतलब कैथोड होगा रिडक्शन, जी सर बिल्कुल सही बात सही है जी। तो सर मैं दोनों के लिए रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं और इन रिएक्शन का अपन पोटेंशियल देखेंगे अपने पास में पोटेंशियल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पे सिंपल बात कर रहे हैं,
क्योंकि अपन से फाइनल रिएक्शन का ई नॉट नहीं पूछा है, तब अपन डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगा दे, अपन से ईएमएफ ऑफ रिएक्शन पूछा है ई नॉट। ई नॉट अपना हमेशा क्या होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बेटा इसके फॉर्मूले तो कई होते हैं लेकिन अपन स्टैंडर्ड यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज कि चाहे कैथोड हो या एनोड, दोनों को आपको रिडक्शन ऑर्डर में लेना है। तो रिडक्शन ऑर्डर में अपने पास है या नहीं है चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है कि 2 प्लस एक इमेज आ रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये भी प्लस 2 से प्लस में आ रहा है और ये भी 3 से प्लस 2 में आ रहा है तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। लेकिन एनोड कैथोड सर अपन डिसाइड करें तो Fe से Fe प्लस 2 की बात कर रहे थे, मतलब ये वाला तो अपना एनोड के लिए बात कर रहे हैं जी सर, ऐसा भी दिया है, और प्लस 3 से प्लस 2 मतलब ये वाला अपना कैथोड के लिए बात कर रहे हैं। दोनों SRP में दे रखे हैं तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कर लें सर। तो ये एज ए कैथोड की तरह, तो आपको कैथोड वाली वैल्यू पहले पुट करनी है 0.771 वोल्ट माइनस ये एनोड वाली कितनी दे रखी है माइनस 0.4411 वोल्ट। जब दोनों का आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस, तो 1.212 वोल्ट। मतलब सर इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। बस यहाँ पे ये याद रखें दोनों SRP में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अगर दे रखा हो तो। बस साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज है। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल दिस वन। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट बार बार किसी ना किसी तरीके से घुमा के पूछता है जी सर। एक तो मेथड ये है कि सर अपन इसको पूरे को सॉल्व कर ले, तो सर सब में को पता लग रहा है जिंक कॉपर जिंक कॉपर जिंक कॉपर जिंक कॉपर है, तो मैं सिंपल इसके लिए यदि ई सेल लिखूं तो ई सेल होगा अपना ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, वो टू रहेगा लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। सर यहां तक सही बात है? बिल्कुल सही है। तो सर मेरे को एक चीज यहां पे समझ में आ रही है कि यहां पे ई नॉट और ये सब कॉमन रहेगा, चेंज ये हो रहा है, तो मैं सब में Zn plus 2 upon Cu plus 2 निकाल लूं और उसके लिए log निकाल लूं। तो जैसे यहां पे मैंने Zn plus 2 upon Cu plus 2 किया, 1 है, 1 वैल्यू में पुट कर दूंगा तो log 1 आएगा, log 1 0 मतलब ये पूरा पोर्शन 0, तो इसका मतलब इसके लिए जो आपका e1 आएगा वो आपका e0 के बराबर आ जाएगा जी सर, e0 और ये वाली क्वांटिटी 0। अब b में गए, यहां पे Zn plus 2 upon Cu plus 2 किया, तो Zn plus 2 कितना है 10 की घात माइनस 1 10 की पावर माइनस 1 और ये आपका कितना है 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, थोड़ा सा आपको देखो या तो फास्ट करना है टाइम बचाना है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, 10^-1/1 तो माइनस 1 आगे आएगा प्लस हो जाएगा और log 10 1, इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसके लिए जो आएगा वो आएगा आपका जो E2 आएगा वो E2 कितना आ जाएगा आपका E0 प्लस समथिंग कुछ आएगा, E0 प्लस जुगाड़ हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन वैसे ही मैंने बता रखा है, ऑप्शन पे नजर साथ के साथ रखें। यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोबारा आपका E4 is equal to E0 रहेगा क्योंकि इक्वल में log 1 आएगा that is 0। अब अपन को चेक करना है E1, E2, E3, E4 का ऑर्डर, तो क्या रहेगा सेकंड जो ऑप्शन है E2 is equal to E0 plus something है, it means इसका जो वोल्टेज है वो सबसे ज्यादा होगा, तो E2 सबसे ज्यादा होगा। तो सर यहाँ पे कोई जुगाड़, चारों ऑप्शन में केवल एक में ही E2 जाता है, ये तो पक्की बात हो गई, आंसर यही है जी सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो थर्ड है E3 is equal to E0 minus something, it means इसका सबसे कम होगा, और फर्स्ट और जो फोर्थ है इसका क्या होगा इक्वल होगा, E2 फिर E1 is equal to E4 और सबसे कम किसका होगा E3 का। तो सर आपका इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, फॉर द इलेक्ट्रोड Cu चेंज इनटू Cu प्लस 2। यहां पे सर एक चीज समझ में आ रही है मेरे को, ये देने का मतलब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, लेकिन वही बात कि सर हमें तो रिडक्शन की आदत पड़ी है, ग्राफ रिडक्शन के अकॉर्डिंग दिया है, अरे तो काहे टेंशन लेते हो, रिडक्शन से चल लेंगे अपन। तो मेंसर्ट इक्वेशन की बात करें, पहली बात तो सर ये हाफ सेल है अपना, और लर्स इक्वेशन आपकी हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों पे अप्लाई की जा सकती है, तो मैं रिडक्शन के लिए इसको लिखूं और बाद में ऑक्सीडेशन के लिए करना है माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो सर अपना होगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, रिडक्शन के लिए बात कर रहा हूं, तो रिडक्शन के लिए क्या आएगा Cu प्लस 2 से Cu,
-0.0591/2 क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है लॉ। इसके लिए मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो सर रिएक्शन रिडक्शन ऑर्डर पे क्या होगी Cu+2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू C दैट इज सॉलिड दैट इज एक्वस। और ये आपको ओपी सर ने पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्वस की लेंगे, प्रेशर गैस का लेंगे, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेंगे। जी सर राइट साइड में कुछ भी नहीं है मतलब 1 0 नहीं मान रहा है भाई, 0 मान लो कि कबाड़ा हो जाएगा log 0 नॉट डिफाइंड आएगा, यहां पे ये आएगा Cu+2। सही बात है सर बिल्कुल। इसको मैं यदि इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ से अरेंज करूं तो e रिडक्शन को तो y अक्ष पे रखा अपने y एक्सिस पे log Cu+2 तो बेटा देखो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको सर एक बार थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, इसको ऊपर लाना चाह रहा हूं। e रिडक्शन इज इक्वल टू e नॉट Cu+2 से Cu, ये जैसे ही ऊपर लाऊंगा तो माइनस वन आएगा, माइनस वन प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा प्लस 0.0591/2 log Cu+2। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करूं तो ये y इज इक्वल टू mx, तो ये तो अपना x आ जाएगा जैसा आपको दिख रहा है जी सर, mx प्लस c, मतलब यहां पे अपने को पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ मिला और ये आपका इंटरसेक्शन है अंतःखंड जो ये बता रहा है। इसका मतलब ये आपकी क्या वैल्यू होगी e नॉट Cu+2 से Cu+2। समझ में आती है सर बात। तो यहां पे यदि मैं वैल्यूज थोड़ी सी इसको पुट करूं तो आपका अब यहां पे क्या आएगा, e रिडक्शन आपका आएगा 0.34 + 0.0591/2 और log Cu+2। तो यहां पे अपन को Cu+2 का कंसंट्रेशन दिया है 0.1, मतलब सर इसको बोल देंगे अपन 10^-1। तो 10^-1 करेंगे log 10^-1, तो ये भी आएगा, ये आगे चला जाएगा मतलब ये साइन माइनस में आ रहा है। तो अपने पास में डिडक्शन जो आ रहा है सर सेल के लिए वो आ रहा है अपने पास में अपन बोल देंगे 0.34 -0.0591/2 log Cu+2। सही बात है सर। यहां से अपन को एक चीज देखनी है बेटा, हमको रिडक्शन नहीं पूछा था, हमको पूछा क्या था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जैसा हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन निकालना है तो वो माइनस ऑफ ई रिडक्शन होता है जी सर। तो जैसे माइनस करेंगे तो ई ऑक्सीडेशन क्या आएगा आपका -0.34 + 0.0591/2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। log 10 तो अपना 1 हो ही जाएगा तो सर आपका आएगा फर्स्ट ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको अपन ने यहां पे चेक कर लिया है कि किस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है ठीक है, इसमें नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, Ag+ आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है और pH दे रखी है, यहां से आप H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो एंड प्रेशर ऑफ NO आपको दे रखा 0.2018। अब देखो आप नीचे देख रहे हो इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है सर। इसका मतलब अपन पहले एनोड और कैथोड पता करें जी सर। Ag का ये तो बन रहा है एनोड, मतलब Ag वाला तो रहेगा एनोड की तरह काम करेगा जी सर, और दूसरा वाला रहेगा कैथोड। तो अब अपन को सर E नॉट सेल बताएंगे जो अपन दोनों SRP के लिए निकालेंगे और दोनों अपन को SRP के ऑर्डर में दे रखा है। तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि सर ने बताया E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड ठीक है, और अपन केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं कौन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और कौन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या आएगा, कैथोड की तरह बिहेव कौन कर रहा है, NO3 वाला कर रहा है 0.96 वोल्ट माइनस एनोड की तरह कर रहा है सिल्वर 0.80 वोल्ट, ये आ जाएगा 0.16 वोल्ट। तो सर बच्चों ये याद रखना ये जो एनोड सेल आएगा जो नेंसेट इक्वेशन में प्रूव पुट करना है वो है 0.16 वोल्ट। सर साथ में अपन कुछ चीजें इधर और ध्यान रखें, जैसे अपन को पीएच दिया है 1 तो अपन को पता है pH 1 होता है तो मैं ये कह सकता हूं H+ आयन की कंसंट्रेशन 10^-1 होगी सर, क्योंकि pH इज इक्वल टू माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन। सही बात है सर। अब सर एक बार अपन ये नीचे वाला रफ कर देते हैं और फिर जो अपनी ये रिएक्शन है इसके लिए सर मैं टोटल मिला के अपना नेंसेट इक्वेशन की बात करेंगे कि नेंसेट इक्वेशन अपनी क्या उसको दे सकते। तो सर मैं इसके लिए नेंसेट इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, वो क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट जो आपने बताया 0.60 माइनस 0.0591/n फैक्टर कितना आएगा सर, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो रही है 3 आ जाएगा log। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेंगे, एक्वस आयन के लिए कंसंट्रेशन बात की जाएगी और गैस के लिए प्रेशर।
यहाँ पे देखो 3Ag+ है तो मतलब Ag+ की आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, तो Ag+ की कितनी है 10 टू पावर कितनी आ जाएगी सर 2, 10 टू पावर माइनस 2, माइनस 2 आ जाएगी सर, तो सर यहाँ पे माइनस 2 आएगी तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब। बेटा याद रखना ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बात हुई है, NO गैस है तो इसका प्रेशर सर इसका प्रेशर देखा 0.208 है और a की मोल की बात हो रही है तो इसके लिए सर ये आ जाएगा अपने पास में 0.2 आ जाएगा जी सर। इसके बाद अपन देखेंगे राइट एंड में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट एंड में ये सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन पर NO3- आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है सर 2 दे रखी है और H+ आयन की कंसंट्रेशन का 4 होगा तो यहां पे 10 टू पावर -1 का कितना हो जाएगा सर 4। यहां से सर मैं थोड़ा सा देखूं तो इससे ये जाएगा तो ये 0.1 आएगा जी सर। सर ये 10 टू पावर -4 ये 10 टू पावर -6 तो इसको कट करेंगे तो 10 टू पावर -2 और ये 10 टू पावर -1 तो टोटल मिला के इसको सॉल्व करने पे ये 10 टू पावर -3 आएगा जी सर। तो सर मैं इसको एक बार दोबारा लिख लूं e = 0.16 -0.0591/3 सर ये log 10 टू पावर -3 है इसको मैं आगे ले आऊं तो log 10 बन हो जाएगा जी सर। तो सर ये अपना आएगा -3 सर माइनस से माइनस जाएगा 3 से 3 चला जाएगा तो सर इसको अपन मान सकते हैं कि जब कैलकुलेटर अपने को फास्ट करनी तो 0.06 मान सकते हैं अपने बिल्कुल और इसमें ऐड क्या करना है आपको 0.16 ऐड करोगे तो ये एप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपका 0.224 इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी घबराना नहीं है सिंपल सा जैसे सर ने पहले E0 कैलकुलेट किया उसे अलग रखो फिर सिंपल वैल्यू इसको पुट कर लो चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूं ये नेट पे क्वेश्चन आ भी चुका है सर तो सर इसका रिलेशन अपन बात करें e नॉट इज इक्वल टू 0.0591/n log k इक्विलिब्रियम जो kc की तरह भी काम कर सकता है और जब भी अपन बात करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 0.06 भी मान सकते हैं और बताना चाहता हूं कि इसके अंदर ये इक्वेशन कैसे है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है डेल्टा जी जीरो बिल्कुल ठीक है डेल्टा जी जीरो होगा तो ई से रात का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जैसे कि अपने रिले से बता भी रखा है बच्चों को डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है माइनस का एन एफ ई सेल तो नेचुरल इक्वेशन में आप पुट करोगे ई सेल इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन तो एन की वैल्यू इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते कितनी आएगी 2 आएगी ठीक है इनोड से आपको निकाल इस केमिकल इक्वेशन का और के इक्विलिब्रियम आप निकाल सकते हो तो आप इस रिएक्शन को चेक करो कि जो टिन है वो किसी तरह प्लस 2 है तो ये किसकी तरह काम करेगा एनोड की तरह और ये किसकी तरह काम करेगा कैथोड की तरह काम करेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है तो इनोड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा इनोड रिडक्शन कैथोड कैथोड तो क्या आपका हाइड्रोजन न्यूट्रल जो क्या हो जाएगा 0 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो कितना दे रखा है माइनस का 0.14 ध्यान रखिए एसआरपी के ऑर्डर में दे रखा है नहीं देता तो हम उसको पहले कन्वर्ट कर लेते यहाँ से सर ने आपको E0 बताया मैं थोड़ी सी इसमें वैल्यूज पुट कर लूं E0 बेटा आपका सर ने बताया 0.40 इसको मैं मान लूं 0.06 या आपका 2 log k s t या k इक्विलिब्रियम यहाँ से सर अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 0.28 आएगा 0.28 अपॉन 0.06 की बात कर रहा हूं तो सर अपना ये हो जाएगा log k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.28 अपॉन 0.06 पॉइंट से पॉइंट चला गया इसको सर सॉल्व करेंगे तो 6 4 24 और ये आपका साथ में 6 आ जाएगा जी सर सही बात है सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको रफ कर लेते हैं आगे वाले पोर्शन को बच्चों को एंटी लॉग लेना सिखाना पड़ेगा जी सर और एंटी लॉग के बिना इसके क्वेश्चन नहीं होंगे तो बेटा यहाँ पे एंटी लॉग का मतलब क्या है वो समझो मेरे को ये पता लगा लॉग बेस 10 पे के इक्विलिब्रियम आपका आया 4.6 जी सर बेटा दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए या अपन बोले एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स है तो आपका बी इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स होगा जी सर सही बात है सर। तो यहां से मैं इसको यदि थोड़ा सा चेक करूं तो मैं बोल दूं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू पावर 4.6 तो 10 टू पावर इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटी लॉग। इस क्वेश्चन में तो सर इसका आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 4 इसी में आ रही बाकी किसी में 10 की पावर 4 नहीं है लेकिन आप बच्चों को एकदम पूरा वे बताऊंगा इसको यदि अपन थोड़ा सॉल्व करना चाहें बेटा तो हम क्या करते हैं जब अपन को एंटी लॉग सॉल्व करना हो 10 टू पावर सॉल्व करना हो तो बेटा जो पॉइंट से पहले वाली चीज है पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं नेगेटिव आएगी वो वहां पे बात करेंगे पॉजिटिव में जो आ रही है पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है उसको डायरेक्टली अपन एज इट इज लिख देते हैं जी सर पॉइंट के बाद में जो आ रही है वो क्या वैल्यू है 0.6
अब आप ये देखो 0.6 किस लॉग की वैल्यू है बेटा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो 0.6 आपको पता लगेगा यदि अपन वैल्यू चेक करें तो अपने पास में अराउंड लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6। जी सर। तो लॉग से एंटी लॉग चला जाएगा तो अराउंड आपके पास में आ जाएगा 4 × 10⁴। अब बेटा अपन 0.6 की बात कर रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू पे अपन को जाना है, अपन ने यहां पे एप्रोक्सीमेटली मान रखा है, तो उसको एग्जैक्ट आप सॉल्व करोगे तो यहां से आप इस पे पहुंच जाओगे 5.4 × 10⁴। जी सर। आंसर आ गए। तो ये अपना इसका मतलब सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर बच्चों यहां पे नेगेटिव आ जाता तो इसको आप कैसे सॉल्व करते, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। अगर log n बेस के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जैसे आ जाता माइनस का 5.47, तो इसमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आती। तो देखो पॉइंट से पहले के पॉजिटिव वाला क्वेश्चन ने बता दिया, नेगेटिव में क्या है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा इसका एंटी लॉग लोगे। तो देखो पॉइंट से पहले क्या है माइनस का 5 है, इसको 1 से इंक्रीज कर दो 1 से, तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा इनटू देखो आपको पॉइंट से पहले 1 से इंक्रीज करना, पॉइंट के बाद 1 से डिक्रीज करना, 1 में से आप 0.47 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.53 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, लॉग 10 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47 और लॉग 10 बेस 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60। जबकि आपके पास तो 0.53 है तो इसकी मिड की वैल्यू है, तो 0.47 0.60 की लेफ्ट साइड मिड में क्या 0.53 है, तो इसको आप लिख सकते हो 3.5 लॉग की वैल्यू होगी 0.53। तो ये हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁶ अप्रोक्स। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली बेटा इसमें हो सकती है, पावर्स को ऑर्डर्स को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द गैल्वेनिक सेल, ये पीबी पीबी प्लस टू सीयू प्लस टू ऐसे क्वेश्चन सर कर चुके हैं। हां तो ये तो आपका आ जाएगा एनोड और ये आपका आ जाएगा कैथोड। इसके लिए रिएक्शन लिख लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 या 6 अपॉन 2 लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। सर ऐसा ही अपने पास में सर हमको क्या बोल रहा है, सेल विभव को अधिक धनात्मक मतलब ई सेल को पॉजिटिव करना है, ये पॉजिटिव करना है, तो ये चीजें क्या जो घट रही है माइनस हो रही है ये क्या होनी चाहिए था। जी सर। ये कम हो जाए और Cu plus 2 ज्यादा ज्यादा एन लेड प्लस 2 की कंसंट्रेशन कम और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, इट विल सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो Cu plus 2 की कंसंट्रेशन आपको बढ़ा दें। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 द पोटेंशियल ऑफ सेल बिलो was 1.05 volt, what is the pH of this cell? सर अच्छा क्वेश्चन है। जी सर। इसमें वही बात की अपन ने, ये आपका हो गया एनो और ये आपका हो गया कैथोड। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लेता हूं, तो एनोड जाएगा आपका H2 से 2H+। तो देखो यदि अपन सेल रिएक्शन लिखेंगे तो देखो 2 नहीं आएगा। जी सर। थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके लिए अपन बात करें रिडक्शन के लिए Ag+ से गया आपका Ag। सही बात है सर। जी सर। इसके लिए मैं बात करूं E cell is equal to E naught minus 0.0591 बात करो या 0.06 भी 0.06 सही रहेगा। और यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, बिकॉज़ 2 Ag+ के लिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं। सही बात है। बैलेंस करना बहुत जरूरी नहीं, तो स्टोइकोमेट्रिक ग्रुप से नहीं आएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए गलती हो जाएगी। लॉ अब H+ आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जी सर। यहां पे सॉलिड है नहीं लेंगे, साथ में अपन बात करें ये गैस है ध्यान रखिए, तो ये इसका गैस का तो आएगा प्रेशर। जी सर। और Ag+ का स्क्वायर यही आएगा सर अपना। जी सर। यहां से सर यदि अपन E नॉट की बात करें तो देखिएगा यहां पे अपन को पता लगा ये एनोड ये कैथोड है, E नॉट सेल होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, एनोड का तो जीरो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो E नॉट सेल आपका क्या हो जाएगा 0.799 वोल्ट माइनस 0। तो ठीक है, तो सर इसको मैं 0.8 मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है सर। ये आ जाएगा अपना 0.8 माइनस 0.03 हो सकता हूं सर। H+ आयन की कंसंट्रेशन अपन को नहीं दी है, तो अपन को नहीं दिया तो सर इसको अपन 1 मान के चल लेंगे। सेल विभव भी अपन को दे रखा है 1.05, ये दे रखा है सर अपन को। जी सर। यहां से अपन बात करें लॉग नहीं दिए तो ये 1 H+ सर अपन लेके चलना पड़ेगा, ये तो pH है। हां pH कैलकुलेट करना है तो लेके चलना पड़ेगा, वेरी सॉरी भाई सर 180 दिया है और Ag+ की कंसंट्रेशन 0.100, इसको 10⁻¹ बोल सकता हूं सर। जी सर। ये 10⁻¹ का स्क्वायर सर, थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1.05 में सर 0.8 इधर से माइनस कर देगा। जी सर। तो 1.05 में सर 0.8 माइनस कर देंगे अपन तो अपने पास में कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल सर। तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा ध्यान रखते चलिए सर आपके साथ 0.25 ये माइनस 0.03 बेटा देखिएगा ये तो अपना हुआ लॉग H+ का स्क्वायर है
जी सर सर ये 10 टू पावर माइनस 2 जो है ऊपर आएगा तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा बोल सकता हूं जी सर लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इनटू n तो लॉग n प्लस लॉग n मैं वो यहां पे अप्लाई कर रहा हूं इसको नीचे लेके आ रहा हूं तो 0.25 अपॉन 0.03 ये अप्लाई कर रहा हूं ओपन कर रहा हूं माइनस लॉग x प्लस अब सर ये स्क्वायर है तो ये आगे आ जाएगा जी सर और साथ में एंट्री होगी माइनस लॉग 10 टू पावर 2 सर ये जो 2 हटा दें तो आपको पता है pH आपकी होती है माइनस लॉग x प्लस आयनिक कंसंट्रेशन सही बात है तो मैं इसको यहां पे थोड़ा सॉल्व करूं पॉइंट से पॉइंट गया तो सर 38 जा 24 आ जाएगा और यहां पे ये देखेंगे अपन तो ये इतना आ जाना चाहिए जी सर सही बात है सर यहां पे देखें सर इसको मैं बोल दूं 2 pH जी सर ये 2 आगे आ जाएगा तो ये यहां पे क्या हो जाएगा अपना माइनस 2 तो सर यहां से ये जाएगा 8.3 और 2 10.6 आ जाएगा और 10.3 आ जाएगा जी सर तो 2 pH is equal to 10.3 सो pH is equal to 10.3 अपॉन 2 तो सर इसको देखें 5.152 एप्रोक्सीमेटली बात कर रही जी सर तो इसके लगभग आ रहा है सर यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट सर इधर बस कैलकुलेशन का रोल था अब ये घबराएं नहीं कि सर यहां तो 5.1 आ रहा है बिकॉज़ यहां पे अपन एप्रोक्सीमेट 0.06 मान रखा है इन चीजों को बेटा आपको साथ ही साथ में ध्यान तो बच्चों जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी और फाइनल आंसर को आप एकदम लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और कई बार बच्चे के ऐसे ऐसे हो जाएगा और आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत टाइम लगता है जैसे कि आप देख रहे हो चले सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इनोड सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जी सर क्योंकि इसके अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स भी आनी चाहिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सर इसमें धोखा एक ही कारण से होता है क्वेश्चन देने का रीजन n के कारण था जी सर यदि आपने n सही कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है और अपने प्रीवियस नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है आईआईटी के एग्जाम में भी आया हुआ है n का रोल इंपॉर्टेंट है तो बेटा जब भी ऐसा फ्यूल सेल दे दे या कंबशन रिएक्शन दे दे तो वहां पे n कैसे निकालते हैं आप याद रखें एक O2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जी सर तो यहां पे दो O2 हैं तो 4 into 2 कितना हो जाएगा सर अपना तो डायरेक्ट अपन बोलते हैं यहां पे n आ जाएगा 2 into 4 8 आएगा बस यहां पे ये पता लग गया तो क्वेश्चन खत्म क्योंकि H2 और O2 फ्यूल सेल के अंदर नंबर ऑफ ट्रांस इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं वहां पे एक ऑक्सीजन यूज होती है हां तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो 4 दो ऑक्सीजन है तो एक उसी के करस्पोंडिंग चलेंगे आप सर ऐसे भी तो निकाल सकते हो यहां पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस का 4 आएगा बिल्कुल ठीक है तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं माइनस 4 से प्लस 4 जा रहे हैं तो ऐड ये कर तो सकते हैं लेकिन सर कई बार अपन को पेंटेन या ऐसे फ्यूल सेल दे देते हैं ना तो फिर वहां पे बच्चा गड़बड़ कर जाता है इसलिए अपन डायरेक्ट जितना O2 है उसको उतने फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जी सर अब यहां पे सर हमको डायरेक्ट एक रिलेशन तो पता है कि डेल्टा G0 is equal to minus NFE0 cell by ये तो मुझे समझ में आ गई बात जी सर लेकिन डेल्टा G0 और रिएक्शन का डायरेक्ट नहीं दिया जब अलग-अलग कंपाउंड्स की दे देता है तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि डेल्टा G0 निकालना है समेशन ऑफ प्रोडक्ट जितने मोल है माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट जितने मोल है जी सर और यहां पे जो प्योर स्टेबल मॉलिक्यूल होता है उसके लिए जीरो रहता है तो यहां पे सर थोड़ा सा वैल्यूज को ढंग से लेना है अपन को तो इसके लिए मैं डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करूं तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का क्या आएगा 1 मोल तो ये है 2 मोल ये है सही बात है जी सर माइनस रिएक्टेंट O2 स्टेबल है इसके लिए जीरो 1 मोल ये है तो साइन का थोड़ा याद रखेंगे किस हिसाब से साइन अपन को यहां पे बोल रहा है उसकी मिस्टेक अपन को नहीं करनी तो ये माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा है ना हां सर ये माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा इसको अपन बाद में भी यूज कर लेंगे जाए यहां से सर देखें तो 228 को 2 टाइम्स करूं मैं तो सर 228 से 456 यानी 457.2 हो गया जी सर और ये आया आपका कितना सर कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके साथ देखते चले 11 जी सर यहां से सर मैं इसको यदि कैलकुलेट यहां पे ये देखा अपन ये 50.8 चल ही रहा है जी सर तो सर इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो 4 और 2 6 यहां पे 1 कितना आ रहा है सर जी सर इसमें से सर अपन इसको यदि माइनस कर लें तो सर मेरे ख्याल से डेल्टा जी नॉट जो आपके पास आएगा वो आपके पास में कितना किलो आएगा ये याद रखें ये वैल्यू किलो किलो जूल पर मोल में हां ये गलती नहीं करें भाई इसका ध्यान ये डेल्टा जी नॉट आ गया आपके पास अब ये आ गया तो वैल्यू करो ये किलो जूल में है तो इसको जूल में बदल दो जी सर n अपन निकाल चुके हैं कितना आया है 8 f होता है 96500 into e बार सर यहां माइनस से क्या चला जाएगा माइनस से चला जाएगा अब इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा आगे यदि कैलकुलेट करें तो सर अपना e नॉट क्या आएगा अब सर देखो इसकी थोड़ी एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मैं करना चाह रहा हूं देखना सर
दो जीरो से दो जीरो पे जी सर, एट से सर ये कैलकुलेट किया अराउंड 100 टाइम्स गया जी सर, ये 10^3 हो गया 1000, तो सर मैं ये कहूं 1000/965 1.something, 1.1 something, 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 1.1
एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और एक एलएलजेपी को रोकेगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा ताकि सेल लंबे टाइम तक वर्किंग कर सके। इसके अकॉर्डिंग सर बताइए क्या ऑप्शन बैठेगा। इट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इनटू द सोल्ड सॉल्यूशन, ये होता है, लेकिन इसका मेन अपन बात कर रहे हैं जब एक से ज्यादा ऑप्शन अपन को दिख रहे हैं और सिंगल ऑप्शन करेक्ट करना है तो मोर करेक्ट मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेट करना है अपन को सर। तो यहां से सर अपन देखें इट अलाउज आयन टू फ्लो टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ चार्ज, जिसको अपन ने क्या बोला है एलएलजेपी की फॉर्म में बात किया है, यानी यहां पे चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा नहीं हो सेल जैसा आपने बोला लंबे समय तक काम करे सर। इसका मतलब सर अपना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन अपना इसका करेक्ट होना चाहिए। चलिए सर आगे नेक्स्ट। जी सर कैलकुलेट केएसपी, सर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम को इसमें एक्चुअली में सम किया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो कैलकुलेट केएसपी ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का केएसपी आपको कैलकुलेट करना है जो कि सॉलिड फेज में है, आपस में इसमें डालोगे तो पीबी प्लस टू प्लस टू आयोडाइड माइनस है, ये किस फेज में एक्वस फेज में है। तो सर इसका मतलब अपन को ये लाना है, लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों को एक चीज बता दूं कि जब भी आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे दे, अल्कविले लवण दे दे, पदार्थ दे दे, तो उसके लिए अपन जो बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम, वो उसका केएसपी होता है। तो अपन को इसका केएसपी इस रिएक्शन के लिए निकालना है, लेकिन अपन को इन रिएक्शन से बनाना है। तो सर अपन इसको थोड़ा सा बराबर करके आगे बात करें तो बेटा जब भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात की जाए तो याद रखिएगा जो नॉर्मल मेटल दी है उसका ऑक्सीडेशन करना है, फिक्स है। जब भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करेंगे नॉर्मल मेटल का ऑक्सीडेशन मतलब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन होगा एनोड की तरह बिहेव करेगा तो अपन क्या बोल देंगे Pb चेंज इनटू Pb प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सही बात है सर, ये तो आपका हो जाएगा एनोड और जो बाकी दूसरा है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो कैथोड की तरह काम करेगा, उसका रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन करें अपन कैथोड पे, ये एनोड था आपका ये कैथोड था आपका, तो Pb(I2) + 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Pb + 2 Ag माइनस। सर यहां से मैं एक चीज देखूं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे Pb से Pb, तो जो सर ने अभी रिएक्शन बताई थी एक्चुअली में वो यहां से आएगी। जी सर वो क्या हो जाएगी Pb(I2) चेंज इनटू Pb + 2 + 2 Ag माइनस। और सर ने बताया जो KSP होता है मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन के लिए K इक्विलिब्रियम उनका KSP होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। इसके आयन कौन-कौन से ये हैं, इसके लिए हमने KSP क्या बोला Pb + 2 की कंसंट्रेशन और Ag- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बिकॉज़ यहां पे कोफिशिएंट 2 है। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो यहां से मेरे को दोनों के लिए E0 दिया है तो पहले मैं E0 सेल निकालना चाहूंगा, E0 सेल उसी तरीके से E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सर कैथोड कौन है इसमें जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, उसका क्या अपन को रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन ने देखा कितना आया माइनस एनोड। अब सर यहां पे एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट दिया है वो आ जाएगा माइनस 0.126 वोल्ट। इसको सर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन तो माइनस 0.365 प्लस 0.126 आएगा। बोलिए सही बात है सर। जी सर इसको सर थोड़ा सा माइनस करके लिखिए क्या आंसर आता है। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.365 इसको 0.126 तो कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 0.239 आएगा सर माइनस का। तो सर अब यहां से मैं E0 आ गया, अब बेटा मैं ये रफ कर रहा हूं और K इक्विलिब्रियम पे चल रहा हूं जैसा अपन ने अभी तो ये अपने पास में सर या तो पूरे रफ कर दीजिए अपन को समझ में आ गया E0 क्या रहेगा। तो सर अपने पास में E0 आ गया माइनस 0.239 वोल्ट। जी सर अपन को पता है E0 के लिए अपन बोल सकते हैं 0.0591 अपॉन n
log k equilibrium और spellingly soluble के लिए k equilibrium k ऐसे हो जाता है। n factor यहाँ से आपको clear दिख गया है कितना रहेगा, 2 रहेगा। अपन ने बोला सर जो ये log k s p आएगा वो आपका आएगा 2 into this one तो आएगा -0.478 अपॉन 0.0591। बोलिए सर सही बात है क्या? और यहाँ पे यदि सर अपन इसके लिए थोड़ा सा बात करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो सर आई थिंक इसका -8.02 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब यहाँ पे अपने पास में log k s p इतना आ रहा है, सर ये नेगेटिव में है इसका मतलब मुझे इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा और सर एंटीलॉग अभी आपने बच्चों को सिखाया है तो सर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ KSP आपका क्या होगा 10^-8.02। सर ने बोला पॉइंट के पहले वाले में एक इंक्रीज करो, पॉइंट के बाद वाले में एक डिक्रीज करके लॉग ले लो, ये तो सर हो जाएगा 10^-9। इसको सर 1 में से डिक्रीज करेंगे 0.98 आएगा, 0.98 लगभग 1 के नजदीक होती है। log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और log 10 बेस 9 की वैल्यू कितनी होगी 0.95 होगी, जबकि आपके पास वैल्यू क्या है 0.98 तो 9 से तो ज्यादा होगी, 9 से ज्यादा और 10^2 उसके अकॉर्डिंगली सर अपन बात कर रहे हैं तो 9.1 × 10^-9 इसका नहीं सर, अपन को यहां पे थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन और एंटी लॉग को देखना पड़ेगा कि एंटी लॉग कैसा आ रहा है। तो सर एप्रोक्सीमेटली जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 8.02 जो है और उसका लॉग लेंगे तो सर एक्चुअली में अपन यहां पे ये बोल सकते हैं 8.3 के एप्रोक्सीमेट जा रहा है, यदि कैलकुलेशन अपन यहां पे प्रॉपर पूरी 10 से कैलकुलेशन करें तो 10 से कैलकुलेशन करेंगे तो 10^-9 उसी ऑप्शन में आ रहा है। हां ये ध्यान रखिए आप 10^-9 इसमें आ रहा है और उसको प्रॉपर लॉग से आप सॉल्व करोगे तो अपना सर इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। सर ये एसिडिक मीडियम में ये क्वेश्चन अपना प्रीवियस नीट एग्जाम में भी जी सर बिल्कुल। तो सर इसके लिए जो आपने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि E नॉट अपना इंटेंसिव और डेल्टा जी एक्सटेंसिव है तो इस क्वेश्चन को हमको डेल्टा जी से करना पड़ेगा जब दो रिएक्शन से तीसरी रिएक्शन निकालनी है। तो सर देखो इधर ऑक्सीडेशन नंबर +5 जी सर, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +1, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0 जी। एक तो सर ये रिएक्शन हो जाएगी तो मैं इसको रिएक्शन को लिख लूं सर तो मेरे को ये पता लगा BrO3- को अपन को किस में लेके जाना है सर BrO- में लेके जाना है, चार इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। हां सर चार इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं, सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं फिर अपन इधर से बात करें। इसके लिए एंड फैक्टर पर ध्यान रखेंगे कितना आएगा सर 4 आएगा, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखें। इसके लिए एंड फैक्टर कितना आएगा 1 1। तो सर सेकंड रिएक्शन लिख लूं मैं जी सर, BrO- आपका जो जा रहा है वो Br2 पे जा रहा है जी सर। सर इन दोनों से मुझे फाइनल रिएक्शन लानी है, ये इसके लिए एन फैक्टर आपका क्या रहेगा 5 रहेगा, तो मतलब मेरे को इनसे क्या लाना है BrO3- से मुझे Br2 पे जाना है। तो सर सिंपल दोनों रिएक्शन को ऐड, लेकिन E के अकॉर्डिंग नहीं ऐड कर सकते बिकॉज़ दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सर मैं इसका डेल्टा G नॉट 1 लिखूंगा वो क्या आएगा -NF E नॉट से तो -4 F कितना, N कितना है इसका 4 F (1.5) डेल्टा G नॉट 2 लिखना चाहूंगा सर -1 F (0.6) माइनस सब कैंसिल आउट कर देते हैं। हां तो सर एक बार पूरा लिखना पड़ेगा अपन को ये सर -5 F E0 = फर्स्ट के लिए -4 F (1.5) और इसको प्लस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस से आएगा -1 F (1.66) सर -F से -F चला गया तो 5 E0 = 1.5 × 4 करेंगे तो सर ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस 1.6 ये 7.6 आ जाएगा 7.6 यहां से E नॉट देखिए 7.6 अपॉन 5 करेंगे सर ये आपके पास आएगा 1 पॉइंट सर ये 2 जा रहा है इधर 1.2 कितना आएगा 1.52 आ रहा है सर। सर इसका आप ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, कोई भी कैलकुलेशन है तो वो आप देख लेना, हमने कांसेप्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं सर, जी सर फिर से सर अपना जो अभी स्पेलिंगली सॉल्युबल जो अपन ने बात की थी उसी से रिलेटेड बात होगी। वहां पे मैंने बोला था कोई भी स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो उसमें नॉर्मल मेटल तो बनेगी एनोड और जो दूसरा है वो कैथोड, मतलब ये तो अपना एनोड की तरह काम करेगा ये कैथोड, इनको
मैं लिख लूं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एजी आपका जाएगा एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जी सर, और ये कैथोड तो सर इसको उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि अपचयन हो रहा है रिडक्शन, तो आएगा एजी आई प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू एजी प्लस आई माइनस, सर इनको ऐड करूं एजी से तो एजी जाएगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपको मिलेगा एजी आई चेंज इनटू एजी प्लस प्लस आई माइनस, दैट इज द स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और इसके लिए केएसपी सर ने बताया था जो के इक्विलिब्रियम होता है वही केएसपी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन, ये आपका आएगा एजी प्लस और साथ में आई माइनस, सही बात है सर जी सर। अब मैं इसके लिए ई नॉट सेल निकालना चाह रहा हूं, तो ई नॉट सेल अपना होता है बेटा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड अपन ऊपर वाले के लिए बात कर रहे हैं तो सर यहां पे थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान देना पड़ेगा, ये जीरो से प्लस ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है सर जी सर, तो इसका माइनस लेना पड़ेगा तब जाके अपन को ये मिलेगा ये आएगा, सही बात है सर जी सर। माइनस एनोड, एनोड का भी ऑक्सीडेशन दिया है तो ऑक्सीडेशन के लिए अपन माइनस कर दें तो एसआर क्या आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आएगा प्लस में पॉइंट, सही बात है क्या सर जी सर। सर इसको अपन ऐड करेंगे तो सर ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस पॉइंट 952 वोल्ट आएगा क्या सर जी सर, सही बात है। अपने पास ई नॉट आ गया, अब अपन को रिलेशन पता है ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, n कितना है जैसा सर ने बताया 1 log, अब k इक्विलिब्रियम की जगह अपन ने क्या मान लिया केएससी, तो यहां से सर अपन थोड़ा सा देखें इसको log ksp जो आपका आएगा वो आएगा माइनस 0.952 अपॉन 0.0591, कैलकुलेशन वगैरह का सर आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि किस अकॉर्डिंगली यहां पे कैलकुलेशन हो रही है जी सर। तो यहां पे सर यदि अपन कैलकुलेशन वगैरह की वैल्यूज को इसको पुट करें तो सर 18th में अपन को 0.952 अपॉन में क्या दिया 0.0591, और यहां पे पूछा क्या है सर डायरेक्टली अपन से log ksp ही पूछा है, अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो सर ये देखिएगा ये पॉइंट को हटाएंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है तो सर एप्रोक्सीमेटली उसके अकॉर्डिंगली अपन को चेक करना पड़ेगा जी सर। तो सर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसका मतलब सर ये मेरे ख्याल से जो जा रहा होगा अपना 5 बन जाए 5 और ये 6 के लिए बात करेंगे अपन ये जाएगा माइनस का 1.16 के अराउंड इसका आंसर आएगा, हां सर माइनस का 1.16 के अराउंड इसका आंसर आ रहा होगा, इसका मतलब सर ये हो जाएगा -16.4 तक सही है, तो इसको आप वैल्यूज को रख के एक बार देख लो। हां तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 एक वोल्टेज सेल इज कंस्ट्रक्टेड दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो सर यहां पे इस रिएक्शन को मैं यदि चेक करूं तो पहले मुझे ये पता लग गया ये तो आपका कैथोड है जी सर, ये आपका एनोड है तो सर ई नॉट सेल क्या हो जाएगा इसका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि इन दोनों में आपको क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है जबकि अपनी आप भी क्या रखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैथोड किसको लिया है, यहाँ पे कैथोड लिया है टिन को और इसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल निकाल तो साइन का क्या करना पड़ेगा चेंज माइनस का 0.136, ये तो कैथोड का आ जाएगा SOP था तो SRP में केस में माइनस आया माइनस, इसको भी साइन आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करने का तो माइनस का 0.126 वोल्ट, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.01 वोल्ट आता है, ये आपके पास क्या आ जाएगा ई सेल। सर अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं जी सर, नर्स की इक्वेशन लगा के ई सेल अपन को दे रखा है इसमें कितना दे रखा है 0.122 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, n कितना आएगा सर 2 log एनोड अपॉन कैथोड, एनोड रहेगा Pb प्लस 2 जिसकी कंसंट्रेशन वैसे पूछी गई है सर, कैथोड रहेगा आपका Sn प्लस 2 जिसकी कंसंट्रेशन मुझे दी है कितनी दी है सर 1 m दी है, तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा एप्रोक्सीमेटली सॉल्व करूं तो इधर जाएगा तो ये आपका आएगा 0.23, सही बात है सर सही, इसको अपन यहां पे लेके जाते हैं तो सर ये आपका आएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Pb प्लस 2, सर इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं तो ये आपका आएगा 0.0295 जी सर, सर सही बात है क्या सही है, ये इसके डिवाइड में सर जाएगा तो सर इसको थोड़ा सा इधर अपन ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो सर लिखिएगा 0.23 तो log n बेस Pb प्लस 2 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.23 अपॉन नीचे क्या आएगा 0.0295 सर ये माइनस के साथ आ रहा है इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, और सर जैसे ही अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सर ये अपना जो log 10 Pb प्लस 2 आएगा जी सर
इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -7.73। जी सर, सर इसको एप्रोक्सीमेटली अपन कैलकुलेट करेंगे तो -7.7। तो देखो यहाँ पे भी वो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कोड से पहले क्या है -7, इसको एक से आप क्या कर दो इंक्रीज कर दो, तो पीवी प्लस टू की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, एक से इंक्रीज करोगे तो 10 की पावर माइनस का एट आ जाएगा। तो मतलब सर जब नेगेटिव एंटी लॉग लेना होता है तो पॉइंट से पहले को एक से इंक्रीज करो और उसको एक से डिक्रीज, तो ये होगा 0.27। और 0.27 क्या है, log 10 base 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो log 10 base 2 से कम आएगा इसका, तो लगभग सर 2 ही दे रखे हैं सारे, तो 2 ही ले लो एप्रोक्सीमेटली। भाई भाई ऑप्शन देखो 2 दे रखा है, तो वैसे होना चाहिए 1.9, लेकिन एप्रोक्सीमेटली देखा 2, तो 2 × 10⁻¹⁸ इसका फर्स्ट ऑप्शन सर करेक्ट होगा। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ई सेल ऑफ क्वीन हाइड्रोन सेल एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंटरसेप्शन दिस पीएच दिस ये। तो सर एक क्वीन हाइड्रोन और इसके लिए अपन को बात कर रहा है, तो सबसे पहले सर अपन को क्यूनॉन और क्वी हाइड्रोन से रिएक्शन कैसे होती है वो पता होना चाहिए। जी सर, सर क्यूनॉन को जो अपन बात करते हैं, क्यूनॉन अपना ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग ये होता है। जी सर, और सर अपन क्वी हाइड्रोन की बात करें तो सर उसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से बता। जी सर, सर मैं इसको तो बोल दूं QH2, इसको बोल दूं Q। जी सर, रिएक्शन देखो तो ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन। जी सर, सर मेरे को आज यहां पे रिएक्शन रिडक्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करना चाह रहे हैं, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं ½Q+H+ इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू ½QH2। तो मैंने रिडक्शन में लिखा तो इसको उल्टा कर दिया और 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात कर ली, जिससे n फैक्टर डायरेक्टली मेरे को 1 मिल गया। जी सर, यहां से सर मैं इसको थोड़ा सा चेक करूं, e सेल कितना आएगा अपन को, e सेल 0.491 दे रखा है, e सेल दे रखा है अपन को 0.4, लिख लेते हैं एक बार सर, e सेल इज इक्वल टू e0 -0.0591/1 log प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है तो बन रहेगा अपॉन रिएक्टेंट, तो ये भी सॉलिड है, बन h+ की आईएनटी कंसंट्रेशन आएगी, सर इसको अपन ने बोल दिया h+ आईएनटी कंसंट्रेशन। सही बात है सर, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.699। तो सर इसके लिए पहले अपन को देखना है ग्राफ कहां बना है, तो सर अपन को ग्राफ बताया e सेल में और pH ऑफ सॉल्यूशन में, तो सर मैं इसके pH ले जाता हूं पहले, e = e0 -0.0591। सर h+ ऊपर आएगा तो h+ की पावर -1, log h+ की पावर -1 जो होता है वो -log h+ आयन कंसंट्रेशन जो pH को बता रहा है, कुल मिला के ये आपका क्या हो जाएगा सर, pH हो जाएगा। सही बात है, तो अपन को यहां पे जो ग्राफ बनाया गया है सर वो y = mx + c, ये आपका x है ये आपका y है, ये नेगेटिव स्लोप आएगा इसका। तो सर e सेल अपन को कितना दिया है यहां पे 0.491, e नॉट इंटरसेप्शन जो है अपन को 0.698 -0.0591 into pH। तो अपना क्या आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो सर ये 7, 9 में से 9 0, ये 2, 0.207/0.0591। तो सर इसको अपन approximately calculate कर लें, तो इसको सर approximately अपन यदि calculate करते हैं तो इसके according अपना सर देखो ये almost 3 times जा रहा होगा सर, क्योंकि ये 0.06 है, ये 20 है तो 18 जाएगा, तो सर 3 point something आ रहा होगा, इसका मतलब इसका सर second option अपना answer होना चाहिए। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर, एक और अच्छा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस वन, तो सर ये ऐसा स्टार्टिंग में एफई वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। जी सर, तो सर इसमें ई नॉट के लिए मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591/10 log k इक्वल, फार्मूला तो ये लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहां पे पहले ई नॉट निकालने की महाभारत है, तो सर मैं यहां से देखूं Cu से Cu+ जा रहा है ये तो एनोड है। जी सर, और Cu+2 से Cu+ आ रहा है ये कैथोड है। जी सर, तो सर कैथोड और एनोड की मैं यहां पे अलग-अलग रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं, तो सर Cu से Cu+ इसकी रिएक्शन नहीं है बट Cu+2 से Cu+ इसकी रिएक्शन दे रखी है, तो सर मैं कैथोड के लिए रिएक्शन लिख लूं, तो कैथोड के लिए रिएक्शन आ रही है अपने पास में Cu+2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Cu+ आ गया सर। तो सर इसके लिए अपन को E0 दिया है 0.15 वोल्ट।
जी सर। ये सर रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन ही होना चाहिए, इसका एसआरपी डायरेक्ट मिल गया। जी सर। सर मुझे यहाँ पे एनोड डायरेक्ट नहीं दिया है, एनोड एक्चुअली में क्या है, जहाँ पे सीयू से सीयू प्लस जाना है, तो एनोड पे सर रिएक्शन होगी, सीयू से अपन कहाँ जाना है सीयू प्लस पे, तो सर मैं बोल दू सीयू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन के लिए एनोड सर मुझे नहीं दिया, वो मुझे इन दो रिएक्शन से पता करना पड़ेगा। जी सर। डायरेक्ट रिएक्शन ऐड सबट्रैक्ट नहीं होती, तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन दो रिएक्शन से मैं ये वाली रिएक्शन कैसे ला सकता हूँ। तो बेटा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, CU से CU प्लस, तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन को तो उल्टा कर दूं, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, इसको एज इट इज। तो सर मैं इसके लिए ये बोल दूं, इस रिएक्शन को डेल्टा जी मैं मान लूं, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन है माइनस वन एफ ई नॉट से निकाल रहा है। इसके लिए मैं ये बोल दूं ये डेल्टा जी वन है वो क्या आएगा माइनस टू एफ टू एफ थ्री फोर। जी सर। और इसके लिए डेल्टा जी नॉट टू मान लूं वो क्या आएगा माइनस वन एफ वन, एन फैक्टर वन है वन एफ पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन फाइव। और अपन को ये पता है सीयू से सीयू प्लस जाना है, तो सर ये तो राइट साइड ही जी है, ये लेफ्ट जी है, तो मतलब डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G मतलब था बिल्कुल। तो सर मैंने बोला डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, ये नॉट के कंडीशन में आया था, तो माइनस F E नॉट सर। यहां पे सर देखे 2 माइनस F 0.15 0.15 माइनस माइनस 2F 0.04 ऐसा ही है सर। यहाँ पे सर माइनस एफ से माइनस एफ से माइनस एफ चला गया, तो सर अपना इस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट आ रहा है वो क्या आ रहा है देखना पड़ेगा अपन को, 0.15 और ये 0.68 माइनस का है। जी सर। तो सर माइनस का 0.68 और 0.15, तो सर माइनस का 0.53 आ गया। तो सर अपन को अब ये जो अपन ने प्रोसेस किया है वो केवल एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पता करना था। तो सर अपने को एक चीज समझ में आ गई, कैथोड का एसआरपी कितना है 0.50। सर ये एनोड 0 से प्लस 2 जा रहा है, दैट इज द एसओपी रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होगा। तो अपन को सर इसी का यदि ई नॉट एसआरपी निकालना है, मतलब सीयू प्लस से सीयू, और ये क्या था सीयू से सीयू प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.54। अब सर मेरा ई नॉट निकल सकता है, तो सर थोड़ा सा एक बार नेक्स्ट पेज पे जाना चाहेंगे अपन बिना रफ किए। तो सर यहां से मैं अब E0 सेल की बात करूं, E0 सेल आएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों SRP में लेने। जी सर। कैथोड का प्लस 2 से प्लस, मतलब SRP दिया है 0.15, एनोड का ये ऑक्सीडेशन दिया था इसका मैंने SRP लाया, तो प्लस कितना आ गया सर अपने पास 0.53 आ गया। यहां से सॉल्व किया तो सर ये आपका कितना आएगा माइनस 0.3। सर अब मैं एक बार सारी चीजें रफ कर सकता हूँ, या रफ की जरूरत नहीं, इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। सर ई नॉट आया माइनस का 0.38 बोल सकता हूँ सर। जी सर। और ये आया 0.0591। एन फैक्टर सर अपन को देखना है, रिजल्टेंट रिएक्शन क्या थी सर अपनी, रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए अपन देख रहे हैं एन फैक्टर सर यहाँ पे क्या चल रहा है, वन चल रहा है। जी सर। तो सर वन आ जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। तो सर यहां से मैं लॉग के इक्विलिब्रियम की यदि बात करूं तो माइनस 0.38 अपॉन 0.0591। तो सर यहां से अपन को थोड़ा सा इसको एप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा, तो सर ये देखिएगा 5 6 30 ये 0.06 है। जी सर। तो सर 6 6 36 होता है, तो अराउंड में कोई समझ में आ रहा है 6 times कुछ आ रहा होगा। तो सर इसको मैं सॉल्व करूं तो माइनस 6.42 टाइम्स आएगा। जी सर। तो सर इसका कोई आप एंटी लॉग लेना बता दे बच्चों को। तो देखो लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 6.42 आ गया, तो और से पहले माइनस 6 है, इसको 1 से इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 7 इनटू पॉइंट के बाद में क्या 0.42 है, उसको 1 में से माइनस करो तो 0.5 पैट आएगा। 0.5 पैट लॉग में किसकी वैल्यू होती है, अराउंड सर 0.6 हो गया। जी सर। और 0.6 सर मैं जो बात कर रहा हूं वो अराउंड 4 की वैल्यू होती है। जी सर। अब 4 से थोड़ा कम है, तो सर थोड़ा सा कम, वैसे भी 3.72 की बात कर रहा है इनटू 10 की पावर माइनस 7, तो थर्ड ऑप्शन। तो सर यहाँ पे मैं बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगा कि कैथोड एनोड में कैथोड की रिएक्शन दी थी, एनोड की मैं इन दो से लेके आया डेल्टा जी यूज करके, फिर यहाँ पे गलती क्या करते थे ये जल्दी जल्दी में यूज कर लेते हैं, ये एसओपी था इसको एसआरपी में चेंज किया, ई नॉट सेल निकाला फिर वो फॉर्मूला यूज किया। तो बेटा ये सारा आज अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 में गैल्वेनिक सेल, नर्ट्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड
बात की। फिर अपन नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी, ऑल द वेरी बेस्ट।